है सर आपका? उपेंद्र विश्वकर्मा। आपका? पूजा विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नरसिंहपुर के रहने वाले हैं। क्या समस्या थी सर आपके यहाँ पे? बच्चा बोलता नहीं था। बोलता नहीं था, कब से नहीं बोल पा रहा था? बचपन से। अभी कितनी उम्र हो गई इसकी? अभी वो 4 साल का। 4 साल का हो गया। विश्वकर्मा जी है, फैमिली विश्वकर्मा फैमिली है नरसिंहपुर से, और क्या बेटा है इनका 4 साल का हो गया है और बचपन से ही बोल नहीं पा रहा था, और तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा था कहीं पे? जी दिखवाया था तो वो बोल रहे थे ऑपरेशन। ऑपरेशन ही करना पड़ता है तो ऑपरेशन के बाद बोलने लगे, ऐसा बोला था? कान का ऑपरेशन कह रहे थे, सुनाई भी नहीं देता। अच्छा, सुनाई भी नहीं देता। तो बेटे को ये क्या नाम है इसका? आयुष। आयुष को ना 4 साल का हो गया, ना सुनाई देता था ना बोल पाता था, तो आपने ना जो ऑपरेशन के बारे में सोचा था फिर आपको करवाने का भी नहीं सोचा था, क्योंकि अभी तो शायद हो रहे हैं। जांच करवाया था, जांच के लिए ले रहे थे, फिर ये मैम मिल गई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये सब। अच्छा अच्छा, मैम हमारी एसटीपीएस की फाइटर है, एक समय अभी कुछ दिन पहले इनसे मिले। कितना समय हुआ था आपको? दो महीने पहले मैम ने हमारे कुछ प्रोडक्ट दिए थे। क्या क्या प्रोडक्ट दिए थे मैडम आपने? सर थंडर ब्लास्ट, थंडर ब्लास्ट और किड्जी डॉग। हमारे बच्चों का जो चवनप्रास आता है, थंडर ब्लास्ट और किड्जी डॉग, ये दो प्रोडक्ट मैम ने दिए थे इनको, और अभी 2 महीने हुए तो एक ही महीना हुआ एक। अच्छा, 2 महीने पहले आप मिले थे? मिले 2 महीने पहले थे, लेकिन 1 महीने पहले हमारा थंडर ब्लास्ट और किड्जी डॉग दिया था, तो अभी 1 महीने में क्या फर्क है, आपको क्या दिख रहा है? अभी तो वो बचपन से मतलब कुछ भी नहीं बोलता था, सिर्फ आ करने लगता। हाँ। अभी मम्मी पापा बोलने लगा। क्या बात है, जो बच्चा बचपन से बोल नहीं पा रहा था अभी मम्मी पापा बोलने लगा है, तो दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है, एक चमत्कारिक रिजल्ट है, क्योंकि एक ऐसी समस्या होती है बोलने और सुनने की जो और ठंडा ब्लास्ट का चमत्कार है कि जो बच्चा बचपन से बोल नहीं पा रहा था अभी बोलेगा ही। आयुष बोलो, मामा मम्मी को बुला जल्दी से। अरे शर्मा गया है। चलिए कोई बात नहीं, अभी सब लोग के सामने डर रहा है वो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक्स कहेंगे हम संजीव कुमार सर को और एसलीपीएस के प्रोडक्ट को, जिनकी बदौलत आज इनके घर में रिजल्ट आया है, और हम चाहेंगे कि रिजल्ट ऐसे जितनी बच्चों के समस्याएं हैं